क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों तथा मेरे प्रिय बच्चों, हम लोग आज सोमवार 40 काल के पांचवां सप्ताह का सोमवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से है। काफ़ी लंबा पाठ है। इस पाठ में वर्णन किया गया है किस प्रकार एक धर्मी नारी जिनका नाम है सुसन्ना, उनके ऊपर उनके समाज के यहूदी समाज के कदवार नेता लोग उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा देते हैं कि सुसन्ना व्यभिचार के कार्य में रंगे हाथ पकड़ी गई थी। जबकि सच्चाई यह है कि इन्हीं लोग उनके साथ व्यभिचार करना चाहा, लेकिन सुसन्ना उनके साथ पाप करने के लिए तैयार नहीं थी, वो पाप नहीं करना चाही, इसलिए उनका विरोध किया। लेकिन इसी वजह से वे षड्यंत्रपूर्ण रूप से सुसन्ना को मार डालने के लिए साजिश रचते हैं। और सुसन्ना को जब मृत्यु के लिए ले जाया जा रहा है, उस वक्त डानियल जो एक युवा था उनके ऊपर पवित्र आत्मा विशेष रूप से प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि सुसन्ना अपने पिता का ईश्वर इसराइलियों का ईश्वर से प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे लिए तेरे बिना दूसरा कोई नहीं है, मुझे इस चीज से इस मृत्यु से बचा लीजिए। ईश्वर ने जैसे सुसन्ना की प्रार्थना सुने और उन्होंने दानियल के ऊपर अपना पवित्र आत्मा को भेजते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दानियल ने समाज के सामने ये प्रमाणित किया कि सुसन्ना के ऊपर लगाए जाने वाले आरोप वास्तव में बेबुनियाद हैं, असत्य हैं, सच्चाई के खिलाफ हैं। इस प्रकार सुसन्ना को इस अपराध से और उनके तदाकथित दंड से या मृत्यु से बचाते हैं। और आज का सुसमाचार में हम लोग दूसरी एक महिला को देखते हैं जो रंगे हाथ वास्तव में पकड़ी गई है व्यभिचार की अवस्था में, और वहाँ यहूदी नेता लोग यीशु के पास ले आते हैं और मूसा के नियम के अनुसार इनको पत्थरों से मार डालने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं, और यीशु चुपचाप शांत होकर कहते हैं ठीक है, पत्थर मारना है मारो, लेकिन आप लोगों में जो निष्पाप है वही पहला पत्थर फेंके। यीशु अपना सिर नीचे करते हुए जमीन पर अपनी उंगलियों से लिखना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक अपने अपने आंतरिक जीवन के बारे में मनन चिंतन किया होगा, एहसास हो गया कि हम लोगों में कोई भी निष्पाप नहीं है, हम भी पापी हैं। धीरे धीरे एक एक करके पत्थर नीचे डालकर कसकते गए। और यीशु आज के ये सुसमाचार के द्वारा हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। वो संदेश यह है कि हम किसी के चुगली नहीं करना चाहिए। संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं कि हमारे लिए जो जीभ दिए गए हैं, ये जीभ बहुत अच्छे अंग हैं हमारे शरीर के, ईश्वर की महिमा करने के लिए, ईश्वर की स्तुति करने के लिए ये जीभ का उपयोग हम करते ही। लेकिन ठीक उसी प्रकार ये जीभ का दुरुपयोग भी बहुत किया जाता है। दुरुपयोग कैसे? जैसे अभी दानियल के पुस्तक से हमने सुना, जब वो नेता लोग उनके साथ ये सुसन्ना पाप करने के लिए तैयार नहीं हुई, तब उन्होंने उनके खिलाफ उल्टा अफवाह
और आरोप लगाते हुए, बेबुनियाद आरोप लगाते हुए उनको षड्यंत्र में फंसा कर रखते। संबोधा, हमारे अपने अपने जीवन में भी यदि हम मनन चिंतन करेंगे तो हमारे जीवन में भी कई बार हमारे बारे में लोग बेबुनियाद आरोप लगाते हुए, हमारे बारे में बेबुनियाद अफवाह फैलाते हुए हम कई लोगों को देखे होंगे, मिले होंगे। और कई बार ये भी संभव है कि हमने स्वयं उस बेबुनियाद आरोप लगाने में, दूसरों की चुगली करने में और दूसरों के बारे में अफवाह फैलाने में हम लोग भी व्यस्त रहे हों। इस चालीसा काल की शुरुआत में हमारे संत पापा फ्रांसिस ने कहा था, हमें उपवास करना चाहिए, दूसरों के बारे में गलत गलत चीज़ों को बोलने से या उनके बारे में दूसरे गलत गलत चीज़ें फैलाने से हमें उपवास करना चाहिए। आज हमें मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन के रास्ते को सुधारने का समय है। यदि हमने अपने जीव का दुरुपयोग कभी भी किया है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के बारे में जाने अनजाने में असत्य फैलाया है, अफवाह फैलाया है, उनसे हमें माफ़ी मांगना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, प्रभु से कह देना चाहिए, प्रभु जी मैं आज से अपने जीव का सदुपयोग तेरी सच्चाई के लिए, तेरी महिमा के लिए, तुझे तेरी स्तुति करने के लिए ही मैं उपयोग करूँगा। दूसरी ओर यदि हमने दूसरों के द्वारा इस प्रकार अफवाह फैलाते हुए, अपने बारे में अफवाह फैलाते हुए, चुगली करते हुए देखा है, अनुभव किया है, तो उन तमाम लोगों को याद करते हुए उनको प्रभु के नाम में क्षमा देने की आवश्यकता भी है। यदि हम उनके प्रति क्षमा और दया और अनुकंपा से हम परिपूर्ण नहीं होंगे तो हम और उनमें क्या फर्क है। हमारे अंदर में धीरे धीरे हम रोना, नफरत की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। संत याकूब का पहला पत्र में अध्याय चार में प्रसंग 8 और 16 में कहते हैं, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, नफरत भरा हुआ है, रुणा भरी हुई है, तो ईश्वर हमारे हृदय में उपस्थित नहीं हो सकेगा। इसलिए हम अच्छे लोग होंगे लेकिन दूसरे लोग हमारे बारे में बुराई किए हैं, आपको मालूम है, आप उन्हें प्रभु यीशु के नाम में क्षमा दीजिए, प्रभु का प्रेम उनको दीजिए। और इन दिनों जब अपने घर में हैं, उनके लिए अपने घर में बैठे बैठे प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस व्यक्ति को आशीष दीजिए। आमीन।